साओ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, कमाए इतने करोड़। प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साओ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। 24 करोड़ रुपए से शानदार ओपनिंग करने वाली साओ ने रिलीज के दूसरे दिन भी दमदार प्रदर्शन किया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक साओ ने बीते शनिवार 23 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने दो दिन में ही 47 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। कपिल शर्मा शो ने सुनील शेट्टी और सनी देओल के डांस पर की टांग खींचाए तो मिले ये जवाब। एक्टर सुनील शेट्टी फिल्म पहलवान में नजर आएंगे। इसमें वह साउथ सुपरस्टार किच्चा सुदीप के गुरु की भूमिका में दिखेंगे। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। इन दिनों सितारे फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। सुनील और सुदीप द कपिल शर्मा शो पर मेहमान बनकर पहुंचे। शो में दोनों सितारों ने जमकर मस्ती की। इसके अलावा दोनों ने प्रोफेशनल लाइफ से लेकर एक दूसरे के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। राजकुमार राव के जन्मदिन पर सामने आई तुर्रम खान की रिलीज डेट। फिल्म डायरेक्टर हंसल मेहता और एक्टर राजकुमार राव ने पिछले साल फिल्म तुर्रम खान पर एक साथ काम करने की घोषणा की थी। वही शनिवार को राजकुमार राव के जन्मदिन पर हंसल मेहता ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा की है। ये फिल्म 31 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। इस 2020 पर रिलीज नहीं होगी सलमान खान की किक 2। पिछले दो दिनों से ऐसा माना जा रहा है कि अगले साल ईद के मौके पर सलमान खान की सुपरहिट फिल्म किक का सीक्वल किक 2 रिलीज हो सकती है। फिल्म को साजिद नाइडेड वाला डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेगा। अब इस बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपनी बात रखी है। मुंबई में हुए एक इवेंट में बात करते हुए साजिद ने कहा कि उन्होंने अभी इस फिल्म को लिखना शुरू किया है, इसलिए यह ईद पर रिलीज नहीं हो सकती है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।